दिवाली जब भी आती है पूरा देश आतिशबाजी और रोशनी की दमक से सराबोर हो जाता है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसकी मस्ती में खो जाते हैं, लेकिन इस आतिशबाजी में थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए घातक साबित हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि पटाखे खरीदते वक्त और आतिशबाजी के दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाए। पटाखे हमेशा मान्यता प्राप्त दुकान से खरीदें और इस बात की कोशिश करें कि बच्चों को अकेले पटाखे खरीदने नहीं जाने दें। ऊनी सिल्क व कृत्रिम कपड़ों में आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है, इससे बचने के लिए बेहतर होगा कि पटाखे जलाते समय सूती कपड़े ही पहनें। जिस भी जगह आप पटाखे जला रहे हैं वहां पानी से भरी बाल्टी जरूर रखें, ताकि गलती से कोई दुर्घटना हो जाए तो तुरंत पानी का प्रयोग किया जाए। अपने पास हमेशा फर्स्ट एड किट तैयार रखें, साथ ही आपके पास बर्फ भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। आतिशबाजी में जरा सी चूक हमारी त्वचा और आंखों को खतरे में डाल सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि जलने पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जले हुए हिस्से को फौरन पानी से धोएं और बर्फ लगाएं, और अगर जलन मामूली है तो उस पर नारियल, जैतून या फिर नीम का तेल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जले हुए हिस्से पर शहद या फिर एलोवेरा जेल भी लगाया जा सकता है। अगर कोई गंभीर रूप से जल जाता है तो उसे तुरंत कंबल में लपेट कर अस्पताल ले जाएं। जले हुए व्यक्ति के कपड़े उतारने की कोशिश ना करें, इससे जली हुई त्वचा पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। जली त्वचा पर केले का पत्ता बांधना कारगर होता है, क्योंकि इससे ठंडक मिलती है और आराम भी। पटाखों में कई तरह के रसायन प्रयोग किए जाते हैं, जिसकी त्वचा से अगर हम ना भी जलें तो उसका भी धुआं हमारी त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचाता है और हमारी त्वचा रूखी हो जाती है। इससे बचने के लिए दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिए और अच्छे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। अगर पटाखों से आंखों में चिंगारी चली जाती है तो फौरन आंखों को पानी से धोएं और जल्द से जल्द अस्पताल जाएं। अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो दिवाली वाले दिन बिल्कुल ना लगाएं और आंखों को पटाखों की तेज रोशनी से भी बचाएं। आंखों में चिंगारी या बारूद चला जाए तो उसे बिल्कुल ना मलें, फौरन धो लें और डॉक्टर से संपर्क करें। बिल्कुल, किसी ने सच ही कहा है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। खुशियों के इस त्यौहार दिवाली में जरा सी चूक अपनों के लिए घातक ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि सावधानी बरते। देखते रहिए टीवी लाइव।